हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं अपराजिता आई है। मैंने सीड से ग्रो किए थे, सीडी डाले थे, दो दो मैंने एक एक इसमें डाले थे, तो ये अब जर्मिनेट हो गए। एक सप्ताह में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। दो के दोनों निकल रहे हैं। देखिए, ये दोनों उगाए हैं और ये इधर भी उगाए हैं और एक और जर्मिनेट हो रहा है धीरे धीरे करके। ये तीन बॉक्स में मैंने डाले थे, तो तीनों में देखिए आप दिखा देती हूँ मैं। एक छोटा सा ये उग रहा है और एक ये उग रहा है, तो दो दो तीन तीन मैंने डाले थे। लगभग सभी जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत इजीली लग गए हैं। तो दिखाई देखिए, अपराजिता भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे सीड ग्रो नहीं होते हैं, पर अगर पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने होंगे तो नहीं ग्रो होंगे। अगर आप मतलब पिछले साल के रखे हुए आपके सीड आप बो दीजिए, वो आराम से ग्रो हो जाएंगे। मेरे भी ये पिछले साल के सीड मैंने जो नवंबर दिसंबर में कलेक्ट किए थे वही ग्रो किए हैं। और ये अपराजिता मेरी पर्पल है, सिंगल पेटल वाली, तो ये भी मैंने सीड से ही ग्रो की थी। और ये देखिए कीट है, इस पर कितना बड़ा कीट है ये। चलिए, ये तो पार्ट ऑफ गार्डनिंग है, तो कोई टेंशन नहीं है इनसे। तो इसे मैं रिपोर्ट करने जा रही थी, बिल्कुल वहाँ पर रखी हुई थी, साइड में आड़ में रखी हुई थी, तो पता भी नहीं चल रही थी, वहाँ पर दिखती भी नहीं थी, ना तो इसके फूल देखने को मिलते थे ना कुछ देखने को मिलते। तो मैंने सोचा आज इसे बाहर निकालूं और रिपोर्ट भी कर दूं। और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ पर साथ में जो हमारी पर्पल टिकोमा थी वो भी लगी हुई थी, तो इसके पत्ते, उसके पत्ते मिलते जुलते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी है। मगर अब जब निकालिए तो ना इतनी फैली हुई निकली, काफ़ी है। इसकी मिट्टी देखिए कितनी पोरस है, इसीलिए इतनी अच्छी इसकी जड़ें फैली हैं, बहुत ज़्यादा जड़ें फैली हुई हैं। इसमें मैंने धान की भूसी भी डाली है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी पोरस मिट्टी बन जाती है धान की भूसी से, और बहुत अच्छे से इसमें रूट डेवलप होती हैं, तो इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है। और इसमें काफ़ी खाद भी मैंने डाली हुई है, अभी रिसेंटली शायद दो महीने पहले नहीं, एक महीने पहले मैंने खाद डाली होगी, तो ये खाद वाली है। नीचे मैं ढेर सारे पत्ते वगैरह भर के तब डालती हूँ, तो खाद ऑटोमेटिकली इसमें बन जाती है काफ़ी। तो इसमें कुछ ये पत्तियाँ भरी हुई हैं, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह भरी हुई, थोड़ी उस वाले जो बैग है उसमें रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी वो पॉली बैग में रखी हुई है, सब मैं इसमें डालूंगी पत्तियाँ, जिससे कि एक खाद बन जाए और थोड़ी सी खाद वाली मिट्टी में ऊपर से डाल दूँगी। मैं इसी तरह से प्लांटर तैयार करती हूँ लगाने के लिए, प्लांट को लगाने के लिए गमले ऐसे तैयार करती हूँ, हमेशा इसी तरह से भरती हूँ। और ये देखिए, ये उसकी छत्र छाया में थी, मधुमालती थी, और उधर टिकोमा थी, तो इसे धूप कम ही मिल रही थी, गर्मी बहुत थी, इस वजह से मैंने उधर रख दी थी। अब बारिश शुरू हो गई तो मैंने सोचा चलो इधर थोड़ा सा निकाल कर रख लूँ, ना तो मैं इस पर वीडियो बना पाती थी, ना इसकी सूरत देख पाती थी, समझ में नहीं आता था कौन सा प्लांट चल रहा है। तो ये थोड़ी सी मिट्टी और ये कुछ ग्रीन वेस्ट है मेरे गार्डन का, वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये सारे पत्ते वत्ते हैं ये सब, तो थोड़ी सी ये डाल दे रही हूँ, कुछ वो भी लेकर आती हूँ, वो भी भरूँगी। सब भरने के बाद में इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल, तो ये देखिए इसमें मैं भर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भर रही हूँ, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह भी हो सकते हैं, बोगनवेलिया की कटिंग है, गुलाब की कटिंग है, तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरे हाथ में वैसे कांटे चुभे हुए हैं, काफ़ी चुभ जाते हैं, तो मैं ऐसे एक हाथ से पकड़ के मैं भरती जा रही हूँ इसमें। तो क्योंकि मैं इकट्ठा करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, जो भी पत्ते वगैरह होते हैं वो पॉलीबैग में भरती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से दबा देंगे खूब अच्छे से, ये खुरपी की हेल्प से मैं दबा रही हूँ, वरना ये बहुत हाथों में उंगलियों में परेशान करेंगे, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। मेरी वैसे बहुत गंदी आदत है, मैं हाथ डाल देती हूँ, इस बार मैं हाथ नहीं डालूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथ में बहुत कांटे लगे हुए हैं, दर्द हो रहा है, निकालने में भी दिक्कत होती है, अपने हाथ से खुद से निकल भी नहीं पाते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं मिट्टी थोड़ी सी ये डालूँगी, गोबर इसमें मिक्स है, गोबर की खाद, पुरानी खाद है, और कुछ इसकी पत्तियों की खाद भी है जो इसमें मैंने पहले डाली थी वो भी है इसमें, तो इसमें मैं ढेर सारी वो खाद मिक्स मिट्टी डाल दूँगी। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर हम डालते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे से खाद बन जाएगी नीचे और हमारे प्लांट को मिलती रहेगी। ऊपर से थोड़ी सी खाद मिक्स, खाद गोबर खाद मिक्स डाल दूंगी, इसके ऊपर हम इस तरह से ये रखेंगे। थोड़ा ऊंचा है पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो हमने वेस्ट डाला है, गार्डन वेस्ट डाला है जितना भी, वो सब नीचे बैठ जाएगा और ये नीचे हो जाएगी, क्योंकि डिकम्पोज होता है जो भी ग्रीन वेस्ट है या सूखी पत्तियाँ हैं वो सब बैठती हैं नीचे, तो थोड़ी सी स्पेस हो जाता है खाली जब डिकम्पोज होती हैं, तो इसलिए मैं ऊपर तक भर दे रही हूँ। और ये मेरे सनफ्लावर के जो डंडियाँ हैं, फूल तो सूख गए, तो उन्हें मैं लगा देती हूँ, जिससे इसे सपोर्ट मिल जाएगा और ये इधर उधर गिरेगी नहीं, फैलेगी नहीं। वहाँ तो इसने पूरी तरह से टिकोमा को कवर कर लिया था, मगर अब यहाँ पे ठीक से इसमें लपेट दूँगी। अब एक हाथ से ये मेरे काम होगा नहीं, तो मैं इसे दोनों हाथों से करूँगी। इस तरह से मैंने चार डंडे लगाए हैं ये,
हाँ देखो ये सीजन तो चली जाते हैं, कब तो चलते हैं, गल जाएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे लगा दूंगी, फिलहाल तो ये चल ही रहे हैं, चली जाएंगे और इसमें अच्छे से मैं कवर करके आपसे आपको फिर मैं दिखाती हूँ, है ना। आज मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, देखिए बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इतरा इतरा के चले जाएंगे, बारिश हो नहीं रही है, दिक्कत हो रही है। वैसे अगर आप चाहें आप शाम को ही रिपोर्ट कीजिए, सुबह में रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है सुबह में रिपोर्ट करने से, पूरे दिन धूप में रहेगा। पर मैं इसे ऐसी जगह रखूँगी जहाँ से छाया रहे, तो ये अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। बारिश होने का नाम नहीं ले रही है और गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप पूरे दिन निकल रही है, बारिश हो जाती तो अच्छा रहता, हमारे प्लांट को भी थोड़ा पानी मिल जाता। दिक्कत ये है कि अगर मोटर चला के पानी लगाओ तो उतना प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है अभी गर्मी की वजह से, पता नहीं कि वाटर लेवल नीचा हो गया है, तो बहुत दिक्कत हो रही है, ऊपर ऊपर लेयर में पानी लग पाता है, नीचे तक पहुँच ही नहीं पाता है, बारिश हो रही है कि हो ही नहीं रही है। और इस तरह से खूब अच्छे से दबा दबा के रख देंगे, जो इसकी स्पेस खाली रहे वो सभी भर जाए, अच्छे से दबा देंगे उंगलियों की हेल्प से या किसी डंडी की हेल्प से भर दीजिए, या खुरपी ऐसे इस तरह से ऐसे दबा दबा के चारों तरफ भर दीजिए, जिससे कि ये डंडे हैं वो भी ना हिले और एयर पॉकेट जितने भी रहे हो अंदर वो सब ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें पानी डाल के और शेड में रखेंगे, छाया में रखेंगे। अभी ऐसे अभी छत पे मेरे थर्ड फ्लोर पे तो छाया है नहीं, पर मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ थोड़ी सी से ठंडक मिले, धूप तेज ना मिले। वैसे रूट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं की है इसकी मैंने, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी रूट खोली थी नीचे नीचे की बस, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लो कितना गड्ढा हो गया नीचे, इसी तरह से ऐसे धीरे धीरे करके भरते रहेंगे हम। और अगर ये नीचे ज़्यादा बैठ जाएगी तो फिर से और मिट्टी डाल देंगे हम इसके ऊपर, बस इसकी रूट नहीं दिखनी चाहिए, इतना हो जाए बकर। अब इसमें हम ढेर सारा पानी डालेंगे, फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो अच्छे से पानी डालेंगे, जो नीचे से निकल जाए ड्रेनेज होल से, इतना पानी डालेंगे। फिर बाद में तभी डालेंगे जब इसकी मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए, वैसे मॉइस्चर बना के रखना चाहिए इसमें। और ये देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है और लिक्विड फर्टाइजर देते रहिए इसमें, सॉलिड खाद दीजिए सप्ताह के सप्ताह। वैसे ज़्यादा केयर नहीं मांगता प्राजेता, मगर फिर भी ज़्यादा फूलों के लिए आप इतनी केयर कीजिए इसकी, तो बहुत अच्छे से चलता है ये। और इस तरह से लपेट दीजिए इसके चारों तरफ, ऐसे करके इसकी मैंने डंडियों के चारों तरफ इसे लपेट दिया है। वैसे तो इधर उधर दौड़ रही थी, मगर अभी इसमें आपस में ही लकड़ियों की सहायता से मैंने इसे लपेट दिया है। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक मेरे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थम्स अप जरूर देकर जाइए। बाय बाय फ्रेंड्स।